वडोदरा के आरवी देसाई रोड पर श्री बोलाई माता का मंदिर मौजूद है, जहां पर कल यानी कि चंपा षष्ठी के दिन भगवान खंडोबा और महालसा देवी का विवाह आयोजित होने वाला है। तो विवाह से पहले आज हल्दी की रस्म आयोजित करवाई गई थी। माक्षर माह की नवरात्रि का प्रारंभ 2 दिसंबर से हो गया है, जो 7 दिसंबर यानी कि चंपा षष्ठी को पूर्ण होगी। इस दिन महाराष्ट्रियन समाज के कुलदेवता भगवान खंडोबा का विवाह महालसा देवी के साथ आयोजित होगा। तब आज महाराष्ट्रियन समुदाय की महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सज्ज होकर भगवान को हल्दी लगाने के लिए खंडोबा मंदिर पर पहुंची थी, जहां पर वडोदरा के महारानी राधिका राजे गायकवाड़ भी मौजूद थे। साथ ही राजवी परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी भी वहां पर दर्ज की गई थी। महाराष्ट्रियन महिलाओं की ओर से भगवान की हल्दी की रस्म पारंपरिक तौर पर की गई थी। आज चंपा षष्ठी ना पावन अवसर पीठी नो સાથી મહોત્સવ છે અને અમે એને માટે આવ્યા છીએ અમારા ખંડોબા મંદિરમાં, અને આ પીઢી દર પીઢી અમારો પરિવાર ખંડોબા મંદિરમાં ચંપા શેટ્ટીને આગળ કરે છે, ને અમે બધા જોડાઈએ છીએ પરિવારવાળા અને મારા કુટુંબવાળા। તો બહુ આનંદ થાય છે કે આ વર્ષે પણ ધૂમધામથી ખંડોબા મહારાજના લગ્ન થશે। 7:30 વાગ્યાથી મુહૂર્ત છે અને ખૂબ ધૂમધામથી લગ્ન થાય છે અમારા, અને બધા મરાઠી લોકોને હું આમંત્રણ કરું છું કે આપણાઓ અને ખંડોરાઓ મંદિરમાં આ શુભ અવસરે આ ચંપાષષ્ઠીના લગ્ન ખંડોબા મહારાજના આપજો। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।